फ्लैशिंग पे चल रहा है यहाँ पर। विवेक कैसा लगा आपको? जी सर बहुत बढ़िया सर। यहाँ पर मतलब आपने मेरे को यहाँ पर सर बहुत चीज़ सीखने के लिए मिली जो कि मुझे पहले नहीं नॉलेज थी। हाँ आता था सर, था सर काम मुझे इतना अच्छी तरीके, मतलब तुम ऑलरेडी पहले काम कर रहे थे काफी मार्केट में, है ना, और यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सर मुझे दोनों का नॉलेज मिला और सर जितना सोचा था उससे ज्यादा मिला, ज्यादा मिला उससे। जी सर ठीक है। यहाँ पे मेरे साथ में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हम उनके साथ में एक रिव्यू वीडियो बनाएंगे। आज हम अपना नहीं लेके आए हैं DSLR, तो भाई जी सर कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा, पहले तो मैं सॉफ्टवेयर का नाम सुनते ही भागता था मैं। अच्छा आप लोग ने, बहुत लोगों ने मेरे से बोला था कि सर हमको सॉफ्टवेयर नहीं आता, किन किन ने हाथ उठाया था कि सर हमको सॉफ्टवेयर नहीं आता? अभी आप लोग ही बताओ, मीडियाटेक की फ्लैशिंग कर लोगे? SPD की फ्लैशिंग, और अगर MI मोबाइल आया तो फ्लैश कर लोगे? और अगर कोई कॉलकम का मोबाइल आया तो बिना IMEI निकाले, है ना, FRP कर लेंगे? डायग्नोस्टिक पोर्ट ओपन कैसे करते हैं ये भी पता है? और अगर सैमसंग का डाटा लॉस नहीं करना है तो ये फ्लैश कर लेंगे? देखिए आप लोग ने बोला था कि सर हमको सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं आता है, है ना, बहुत से लोगों ने हाथ उठाया था अपना। पहले तो आप ही ने बोला था तुमको बिल्कुल नहीं आता था सॉफ्टवेयर पे। अभी कैसा लगता है सॉफ्टवेयर? बढ़िया लगता है, बढ़िया लगता है। इंडिया का तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम फिर से लाइव आ गए हैं और इस बार थोड़ा क्लियर, मुझे आशा है कि थोड़ा क्लियर हो गया होगा। देखो जरा क्लियर हो गया कि नहीं, देखिए जरा फोन पे क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए ठीक है, क्लियर ही है इस बार, है ना, दिखाओ। हाँ तो यहाँ पे दोस्तों इस बार थोड़ा क्लियर, हाँ क्लियर आ चुका है। चलिए ठीक है, फिर से एक बार बता दो क्या करने वाले हो। जी सर मैं सैमसंग फोन को इसका यूजर डाटा बिना सिंगल फाइल नहीं आती है, इस मोबाइल में चार फाइल ही आती है। दिखा दो इसका पैटर्न लगा है कि नहीं लगा है। अभी इसमें पैटर्न लगा हुआ है, यहाँ पर पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है दिखा दो पैटर्न, ये पैटर्न लगा हुआ है। तो मतलब ये डाउनलोड पे कनेक्ट, तो ये हमें क्यों चाहिए ऐसा कि हम डाटा बचाना चाहें, मतलब इसका क्या क्या, मतलब दुकानों में कैसे काम आ सकता है कि इसमें हमें जरूरत पड़े? सर कई बार कस्टमर का फोन लोगो पे हैंग हो जाता है या किसी वजह से उसमें FRP लॉक भी लगा हो सकता है, तो हमें अगर यूजर डाटा अगर बचाना है तो हम इस तरह से फ्लैश करके बचा सकते हैं क्योंकि अगर सिंगल फाइल आएगा तो डाटा बच जाएगा, पर अगर फाइल से तो डाटा बच जाता है बट मल्टी फाइल से सबको नहीं पता कैसे बचाएंगे। हाँ वो हम आज बताएंगे कि कैसे बचाए। तो इसमें हम क्या टूल यूज कर रहे हैं? हम सर इसमें UMT का अल्टीमेट 7 यूज कर, जो नया आया है, जो अभी यूट्यूब में कहीं किसी ने नहीं बताया, ये भी फर्स्ट टाइम है। अच्छा अगर ये टूल नहीं है, आपकी बात कर रहा हूँ, इसे टेलीकॉम की स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तो आप तो बचा लोगे इसके अलावा भी? इस टूल के बिना इसके जगह कोई और टूल भी अगर यूज करके मैं किसी भी टूल से डाटा बचा सकते हैं। चलिए ठीक है बताइए, तो सबसे पहले आपको फोन को मतलब फ्लैश करना है, इसको डाउनलोड मोड पे ले जाओ, उसकी फ्लैश फाइल दिखाओ फिर टूल दिखाओ, स्टेप बाय स्टेप इसको डाउन मोड पे ले जाता हूँ, तो उसके लिए मुझे पावर ऑफ करना पड़ेगा। हाँ बढ़िया तो हो रहा है, देखो आ रहा हूँ, ठीक है पावर ऑफ हो गया। जी सर अब सैमसंग टिक लगाई मैंने और मैं अब पावर बटन प्रेस करूंगा, ये देखो इनका कितना बढ़िया आ रहा है, है ना सही है। अच्छा अच्छा इस तरह हमारा फोन डाउनलोड मोड पे है, तो ये फोन डाउनलोड मोड पे आ चुका है और इसको कनेक्ट कर रहा है, और इसकी फ्लैश फाइल भी दिखा दीजिए। अच्छा ये अभी फिलहाल अगर अल्टीमेट सैम से मेडिकल से करेंगे तो भी हो जाएगा? जी सर। पर उसमें अपन को पता है क्या करना पड़ेगा, पर डायरेक्ट फ्लैश करेंगे तो होगा क्या? तो नहीं होगा, डाटा चलाएं, ये अभी नहीं आया हुआ है बिल्कुल, और ये अल्टीमेट फ्लैशर टूल के साथ में आया हुआ है सैमसंग की। और एक बार इसकी फ्लैश फाइल भी दिखा दो, ये देखिए सर, इसके अंदर सर हमें मल्टी फाइल
मतलब ये फ्लैश फाइल मिल गई है, मल्टी फाइल है, आपकी चार फाइल है, तो बताइए इसको कैसे बचाए, क्या करना चाहिए टेक्नीशियन के लिए, बताओ आसान हो जाए। नॉर्मल ठीक है, समझ में आ जाए। तो देखो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो जूम में दिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आपको कहाँ पे टिक करना है, प्रोटेक्ट डाटा, बाकी भी बता दो क्या क्या है। अगर हम प्रोटेक्ट डाटा में टिक नहीं करते, कहीं और टिक करते हैं तो क्या हो सकता है, सारा यूजर डाटा हमारा चला जाएगा। और अगर उसके अलावा प्रोटेक्ट डाटा में क्लिक करेंगे तो बच जाएगा। और तीसरा सर हमारा सिर्फ रीस्टोर करता है, मतलब और कुछ नहीं करता, रिसेट कर देता है, मतलब फैक्ट्री रिसेट है तरह से बस। तो अभी हम आज क्या करेंगे, अभी हम सर इसका डाटा नहीं क्लिक करेंगे, इसको हम डाटा प्रोटेक्ट हाँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कस्टमर का डाटा डिलीट हो, लोगों पर आ सकता है। एफआरपी आने के बाद में, कॉम्बिनेशन फाइल डालने के बाद में लोग फिर से फ्लैश कर देते हैं, तो एफआरपी वापस लग जाता है डाटा, क्योंकि उस समय हमें डाटा बचाना होता है। ठीक है, करें इसको, डिवाइस मैनेजर में पोर्ट में दिखा दो खुला हुआ है कि यहाँ पे हमारा मोबाइल फोन कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पे कहाँ कनेक्टेड है हमारा मोबाइल फोन, सैमसंग में मॉडम में सैमसंग में अंदर है कनेक्टेड, डाउनलोड मोड पे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है फोन, ठीक है। और ये ओपन कर अपना अर्जुमेंट्स है और मैं फ्लैश स्टार्ट करें, तो ये हमारी यहाँ से देख लेते हैं फ्लैशिंग एक बार चालू हो जाती है तो हम वेट करेंगे। देखिए कॉम पोर्ट पकड़ लिया है, डाउनलोड मोड रीडिंग डाटा, तो फर्स्ट ये देखिए बूट फाइल ले लिया इसने, तो ये हमारी यहाँ पे फ्लैशिंग चालू हो गई है। नहीं फर्स्ट हमारे यहाँ पे बूट फाइल, मैं आपको मोबाइल के पास में ला के दिखा देता हूँ। तो कोशिश करते हैं कि आपको कुछ बता सकें जितना आपको समझ में आए। अगर आपको प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, हमारे नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कॉल नहीं उठाया जा रहा है SMS कर दीजिए। यहाँ पर ये हमारा फोन है, ये देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया नंबर इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर PCB जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता है। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था, जो सर्किट बना रहा था अच्छा मोबाइल बना के लिए, वो टेक्नीशियन लोग तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए हुए जो दो तीन स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना मिल गई, अच्छा देते थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के IC को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?
क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया। और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने 7 महीने नहीं सीखा पाते वो यहाँ दो दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो करने मतलब हम बोले सर हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल उड़ रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं। मतलब जब ये भी मुझे घास में बोलना है कहेंगे तो ये बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो नेपाल वहाँ पे आया, तो फिर टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाइड सर? 100% सेटिस्फाइड है। अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और आगे को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। आगे चल के मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा एक स्कूल खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था की मैं हर एक फॉलो को फॉलो कर सकता। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सब लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना ये सर ये सारी चीज हमने फिर सुनी कल। हाँ सर जो कल नए बच्चे जो आए थे नहीं, नहीं, अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैंने और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सभी ने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला वो मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2845 Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 964-413-9972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 964-413-9972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.